और राजस्थान के अंदर भी चूरू जिले में बेला फुसलाकर बाल तस्करी कराई जा रही है। कल की दिनांक में एक बच्चा रात को बीकानेर से आने वाली ट्रेन के अंदर चूरू के अंदर जो रतनगढ़ का बच्चा था वो विनीता नाम करके बैठा हुआ था। उसके भाई ने बताया कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया है या किसी से लगातार फोन पे बात करता है। ये तुम्हारा बच्चा कैसे माने? घबरा रहे क्या तुम यार? उन बच्चों को मानव तस्करी के लोग बच्चों को भिक्षावृत्ति और तस्करी करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। औरल सा मैं मनोज हूँ, थेजल को चूरू देखना चाह रहे हो। फिलहाल चूरू के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। एक विशेष टीम है जी की बनी है जी की अनाथ बच्चा अब कोविड के अंदर होया है। बांगी देख रहे कि अब पहचान खातर या जी का बच्चा लावेरिस है बने खटे न खटे है जी को अनयूज करे जाए या वो शोषण है करे जावे बे टाइप का जी का बच्चा है। बा खातर एक विशेष टीम है जी की बढ़ाई जी है और चूरू रेलवे स्टेशन के ऊपर वह टीम है लगातार गश्त करके ईशा जी का बच्चा है बने पहचानने की कोशिश है जी की करे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल बटन दबाइए। जी की टीम है वे टीम हुई बातचीत करके देख लेंगा क्या कितने अभियान है जी को चालनो है के मायने रवगोर के टाइप हूँ है जी की पहचान है बच्चा की करे जाए के टाइप हूँ बच्चा की पहचान है जी के मायने करो किया थारो अभियान है जी को चले। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से चूरू जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन हो रहा है। उन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष अभियान जारी करे है जिसमें जो संदिग्ध हालत में पाए जाने वाले बच्चे हैं उनको उनकी जांच की जाएगी। कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उन बच्चों को बेला फुसलाकर बाल तस्करी कराई जा रही है। राजस्थान से अन्य जिलों में ले जाया जा रहा है अन्य और राजस्थान के अंदर भी चूरू जिले में अन्य जिलों से बच्चों को बाल तस्करी के लिए मजदूरी कराने के लिए भिक्षावृत्ति कराने के लिए लाया जा रहा है। उन बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम जो है वो उनकी पहचान करेगी। कई बच्चे हैं जो कि गिरोह के अंदर बाल तस्करी कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन के RPF व GRPF के सहयोग से पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर तैनात रहेगी और ऐसे बच्चों को बाल तस्करी कर रहे बच्चों को ट्रेस करेगी और उनकी जगह उनको पहचान पत्र देखे जाएंगे, उनका निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और उनकी कार्रवाई हेतु अगर ऐसे बच्चे कोई मिलते हैं जो उनकी कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। तकरीबन कितना दिन वो अभियान है चालनो है? अभियान जब तक भी बाल तस्करी के जितने भी केस आते रहेंगे, जब तक भी अन्य जिलों से इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहेगी जब तक ये अभियान जारी रहेगा। अभी तक कोई संदिग्ध बच्चों भी मैंने मिले है? जी हाँ, कल की दिनांक में एक बच्चा रात को बीकानेर से आने वाली ट्रेन के अंदर चूरू के अंदर जो रतनगढ़ का बच्चा था वो विनीता नाम करके बैठा हुआ था, पुरुष था लेकिन वो महिला की ड्रेस में बैठा हुआ था। उस बच्चे को RPF थाने वालों ने रेस्क्यू किया था, ट्रेस किया था और फिर उसके घर वालों को सुपुर्द किया गया था। जी को बच्चे ही घटना की बात कर रहा है वो अठे मिलियो और बैंक बाद में है जी को वो लड़को हो और बैंक लड़की बना के आ गई तस्करी शायद बैंक करवाने की कोशिश करे जा रही है। तो के टाइप तस्करी है जी की करे है आगे बच्चा ले जाके ये बच्चा ये ले जा करके काफी जगह पर देखा है होटल और ढाबा में काम करवा हुआ है और बने बदला में कोई ना 1000 रुपया दे 1500 रुपया दे खाने पीने की सुविधा देवे और बाका जो अदर पैसा हुआ है वह मालिक जगह तस्करी करे वह खुद ले ले वे इस तरीके से कि एक एक बड्डो गिरोह है वह खुद पैसा वह लालच में बच्चा ने दे करके लिया हुआ और छोटे छोटे होटला में ढाबा में काम करा और कहे भीख मंगवावे। जी की घटना ही बहन थोड़ी विस्तृत रूप में बताने की कोशिश करो। बीकानेर से एक ट्रेन आ रही थी जिसका 12:30 बजे वो ट्रेन चूरू जंक्शन पर उतरने वाली थी तो वहां से उसके भैया ने बच्चे ने मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर कंप्लेन की थी जिससे RPF थाने वालों को सूचना मिली और उन्होंने देखा कि एक रतनगढ़ का बच्चा है जो कि 25 नंबर की सीट के ऊपर बैठा हुआ था। उससे पूछने पर उसके भाई ने बताया कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया है या किसी से लगातार फोन पे बात करता है जिसके कारण इस बच्चे का ब्रेन वॉश हो गया और ये दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए और वो नाबालिग बच्चा था। इस वजह से उसके घर वालों को सूचित किया गया और RPF थाने वालों ने उसे रतनगढ़ ले जाया गया और उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। वो बच्चों है रतनगढ़ है? जी हाँ वो रतनगढ़ है। मैंने जी हाँ लड़कों लड़की बनाए जाए उनके पीछे की खास रीजन हो के कारण हो ताकि उसके पहचान सबके सामने ना आ सके। आपनों की टीम के अंदर की कुछ काम रहे? ये है बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनके पालन पोषण की सहायता करने के लिए है, एजुकेशन के लिए है। तो कोई संदिग्ध बच्चों है जो पाए जावे या जी अपन मिल जावे तो बेंगे आगे की करो इधर अगर कोई संदिग्ध बच्चों मिल जावे तो आप भी के लिए की है कि चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है टोल फ्री नंबर 1098 पर घंटी करा
जिसका की है कि तुरंत नजदीकी चाइल्डलाइन का टीम सदस्य अपने कहने पूछे भी बच्चे से पूछताछ करे, फिर भी की जो संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है करवानी है वह करवावे, फिर भी बच्चे के खाने पीने की स्थिति देखे, अगर भी ना भूख लग रही है तो खाना खुआ, फिर भी की काउंसलिंग करे, फिर भी ना बाल कल्याण समिति है जिकी बच्चा के संबंध में काम करे, बाकी ने पेश करे भाई बच्चा को हित में देखते हुए, अगर लड़की है तो भी ना बालिका सेवा में गाले, और अगर लड़को है तो भी ना लड़के के लिए हॉस्टल बना रखे भी गाले, और भी के घर का को पत्तो लगाने को चाइल्डलाइन टीम प्रयास करे बार बार। जिले में कठे भी कोई बच्चों है संदिग्ध लग रही है तो थारू संपर्क करना चाहे किए उसके वह 1098 पर फोन करके हमारे से संपर्क कर सके है, और हमारी टीम तुरंत बड़ा नजदीक स्थान पर पहुंचे और भी बच्चे की जो भी संभव मदद हो वो मदद करे। जोधपुर से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसमें पीटी गौतम के द्वारा बताया गया कि एक बच्चा है जो ट्रेन में सफर कर रहा है महिला के आईडी से, महिला के वेस्ट उसकी सूचना पे घाटी पर पहुंचे, उसने हमारे फोन किया, लाए ला के महिला प्रतिशाल में उसको रोक के और उसके परिजनों को रतनगढ़ जाके सुपुर्द करें। क्या नाम है तुम्हारा? पूरन कितने भाई बहनों? चार है सर। चार बाकी कहाँ है? ये रहे ये काम ये छोटे ये रहे चार काम। तुम्हारी मम्मी कौन सी है? वो तुम्हारी मम्मी है। पिता क्या नाम है? तो ये यहाँ पे पापा है, पापा के पास आए हुए हम लोग। तुम्हारे पापा हैं? हाँ पापा है। तो वो नाम सिक्कर सिक्कर तो नहीं होता आगे वैसे सिक्कर जो ना नहीं यार तुम यहाँ पे सिक्कर से आयो? हाँ तुम तो बता रहे हो यहाँ पे पापा अभी तो बोले थे यहीं से नहीं नहीं यहाँ पे आए हैं अभी तो यहाँ सिक्कर से सिक्कर की जो टिकट होगी नहीं है टिकट अभी तो अभी वहाँ से आए हुए थे हम तो भाई साहब तुम सिक्कर से यहाँ भी ना टिकट के आगे और यहाँ पे तुम बता रहे हो कि वो टिकट लाने के लिए गए सही है ना फंस गए भाई हम तो आके हम लोग क्या करें हम लोग सिक्कर से सिक्कर से बस में आए थे सिक्कर से बस में आए थे इसी गाड़ी से तो उतरे ही हम तो टिकट गाड़ी पे चल गई थी जब ड्राइवर को रोक के हम बैठे किसी ने टिकट नहीं मांगा मांगा था वहाँ पे ड्राइवर बोल रहे बोले बैठ जाओ बोले तो बच्चे देखे गाड़ी हमने रुकवा दी टिकट लाने के लिए हाँ जाए जाके पूछे तो मेरे शाम को आएगी हमारी आवाज गया कौन था अभी आप बता रहे टिकट लाने के लिए नहीं नहीं ये जा रहे हैं हम खुद जा रहे हैं तो अभी नहीं मिलेगी जा रहे हैं जब गाड़ी चालू होगी जब तुम जो भी बात है ना वो सही से एक बोलो एक बोलो एक नहीं बोलो बोलो थे सारे लेकिन सही बोलो आपकी खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अंदर डाल देंगे आपको अभी जो बात है सही बता दो नहीं सही है सही बता रहे हम तो सिक्कर से बिना टिकट गए सही है अभी तुम बोलिए टिकट लाने के लिए गए कौन गया टिकट लाने मम्मी कह रही बोले जा रहे हैं बोले लेने के लिए तो मैं और क्या करे रहने वाले दिल्ली के हाँ दिल्ली के हाँ दिल्ली रहते हैं हम लोग दिल्ली में कौन सी जगह हम बदरपुर के रहने वाले आप लोग कहीं भी जाओ कहीं भी रहो अपनी खुद की आईडी बच्चों की आईडी नहीं है तो बनवाओ कल को आप कहीं जाओगे बच्चों की आईडी मांग लेंगे आपके पास नहीं मिलेगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी इनको पढ़ाओगे लिखाओगे तो आईडी की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप क्यों नहीं बनाते इनकी आईडी आईडी तो है दिल्ली की है न्याय की तो है नहीं के पास नहीं अभी तो नहीं है इनके पापा के पास कैसे माने दिल्ली के तुम हो ये तुम्हारा बच्चा कैसे माने कोई प्रूफ है आपके बच्चे ये बोल दिए बच्चे नहीं है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा मेरे बच्चे लाओगे बात करवा देते हैं साहब आप और क्या करें हम दिल्ली के रहने वाले नहीं तो हमारे से कुछ नहीं होता आईडी जरूरत होती है अब हमको इतना पता होता तो हम इतना भविष्य में कहीं भी जाओ ना अब बच्चों की आईडी और खुद की आईडी होनी चाहिए दोबारा नहीं छोड़ेंगे तो चूरू स्पेशल कवरेज ही रेलवे स्टेशन और थाने भी कोई गतिविधि इसी लाते जरूर है हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर इन्फॉर्म करो कवरेज पर के विचार है जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताओ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए ताकि आगे जो वीडियो नोटिफिकेशन थाने मिल जाए जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।